रहमान रहीम। आज बड़ी खुशी हुई है कि हम सारे इकट्ठे बैठे हैं और एक नया सफ़र है ये जो जोड़ हुआ है, जो किसी ज़माने में आपस में ये दुश्मन थे और आज ये दोस्त बन गए हैं। और जोड़ना अल्लाह को पसंद है और इंशाल्लाह अगर ये जोड़ हुआ तो उसमें बरकतें आएंगी और अल्लाह इन सब लीडरान को तौफीक देगा कि अवाम की खिदमत करें। पाकिस्तान अवाम का है, आम आदमी का है और इसको वैसा ही बनाना चाहिए, न नया न पुराना, अवामी पाकिस्तान। और उसमें हर इंसान का, एक भीख मांगने वाले से लेके जो एक साहिब हैसियत है उसका ख्याल रखना चाहिए और उनको बेहतर ज़िंदगी देनी चाहिए। ये तो एक हमारे पे फ़र्ज़ है। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात मैं ज़रा शेयर करना चाहता हूँ कि एक रात को, कल बहुत बड़ा मुआहदा हुआ है जो मैं, आसिफ जरदारी साहब, बिलावल साहब और हमारे शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, हमारे मेंगल साहब, सरदार अख्तर मेंगल साहब और जितने साथी इसमें शरीक थे, और मुझ ना चीज़ को भी आखिर में डाल दिया। मुझे बड़ा फ़ख्र था कि मैं भी उसका हिस्सा बन गया हूँ। वो एक मुआहदा क्या हुआ कि जो मेहरबानी नहीं की गई एमक्यूएम के ऊपर, ये उनका हक था। और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि पीपल्स पार्टी ने ये एहसास किया कि हम सिंध में रहने वाले सारे बराबर हैं, चाहे वो सिंधी हो, सराइकी स्पीकिंग हो, बलोच हो, पठान हो, जो मौजूद है वहाँ पे, और हमारे उर्दू स्पीकिंग। और ये किसी भी सूरत में सिंध तरक्की ना करता अगर इन सबको ऑन बोर्ड ना लिया जाता। या आप अगर हजार साल भी हुकूमत करते मगर ये कोई नतीजा ना निकलता जो अब नतीजा निकलेगा। और मेरे सिंध के सारे भाइयों को कुछ जमातें महसूस कर रही हैं कि जी पीपल्स पार्टी ने हर सिंध का हक मार के एमक्यूएम को दिया, ये गलत सोच है। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि तादाद के हिसाब से अगर देखा जाए, शहरी आबादी के हिसाब से देखी जाए, अगर उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया जाएगा तो ये सिंध बर्बादी की तरफ जाएगा, सिंध आबादी की तरफ नहीं जाएगा। मैं बार बार इनको मुबारक दूंगा और इंशाल्लाह उम्मीद है इसका नतीजा फौरन आ जाएगा। और ये मेरे जो भाई हैं मुत्तहिदा कानून के, वापस जाके इनको, इनके अवाम से भी मुबारक मिलेगी। मैं सारे साथियों को मुबारक देता हूँ कि उन्होंने सफ़र किया है, और मैं जो 3.5 साल गुजर गए उस पर कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि वो सफ़र गुजारे, मुनासिब नहीं है कि मैं उनको कुछ कहूँ। अल्लाह उनको हिदायत दे, इस तजुर्बे से वो समझ जाएँ और सीधा रास्ता करें। शुक्रिया जी।